ये देखें जी, उस टाइम की 1891 में यह टनल बनी है। ये है जी चेयर लेफ्ट है योबिया। ये देखें बंदर को मार दिया इसने, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना उसको। ये देखें ये क्या कर रहे हैं यार। ये जी आ गया हमारा पटाखा रोस्ट। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये जी अभी गधा जो जा रहा था ना, आपने वीडियो में देखा है, तो उसको खतीजा कहती है कि वो बकरी जा रही है। इसको अभी तक ये नहीं पता बकरी क्या चीज़ है और गधा क्या चीज़ है। खतीजा, आपको गधे और बकरी में कोई फर्क नहीं पता? गधा इतना बड़ा होता है, बकरी छोटी होती है। दोनों के साथ तो बराबर ही होते हैं। क्या चीज़ बराबर होती है? गधे के मुँह और जो है क्या नाम है बकरी का मुँह बराबर होता है, इस वजह से इसने बोला कि गधा भी बकरी है। ये जी अभी हम यहाँ पे रुके, तो यहाँ पे मैंने धोनी है स्ट्रॉबेरीज, आधी तो हमने बगैर धोने की खा ली है और आधी ये रह गई हैं। अब मैंने बोला इनको धो लूँ। काफ़ी गंद था यार, वैसे ही खा गए हैं। तो ये देखें शापर तो काला हो गया। अब बिल्कुल साफ हो गई है। ये देखें होए 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 मज़ा आया। ये जी मैंने जो है ना एकदम जो है रेडिएटर का ढकना खोला, तो ये काम हो गया मेरे साथ सारा, और मेरा मुंह भी यहाँ से जल गया थोड़ा सा, लेकिन बचत हो गई है। कहाँ से आते हैं? ये सामने जो है ना समंदर कट्ठा झील, उसको रास्ता जाता है। और आज जो है ना बर्फ़ का तो नाम निशान भी नहीं है, और इस दफ़ा जो है ना बर्फ़ जो है ज़्यादा पड़ी ही नहीं है। ये देखें सामने हमें बर्फ़ मिली है, लेकिन गंदी गंदी, सिर्फ जो लास्ट में रह गई है वही है। ये जी आज अभी देखिए ये नथेगली तकरीबन पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया, लेकिन आज हमें बंदर नहीं मिले। बंदरों के हाथ जो है ना आज कोई शादी चल रही है, मेरा ख्याल है वो सारे वहाँ मसरूफ हैं, वो बारात पे गए हुए हैं। ये जी अभी हम पहुँचे हैं नथेगली, ये नीचे नथेगली वाला बाजार है, और हमेशा हम ऊपर वाली तरफ से जाते हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं आगे अयोबिया। ओ अभी बंदर को याद किया था, ये शादी पे नहीं गया। ये देखें ये अपना यहाँ पे ही खा रहा है। पटाखा रोस्ट वाली जगह आ गई है, यहाँ से हम पटाखा रोस्ट खाते होते हैं। आज जो है ना ना बंदर हैं और ना बाकी टूरिस्ट हैं। आज अजीब बात है यार, पता नहीं क्या वजह है। आज या तो दिन ऐसा है कि रश नहीं है बिल्कुल, और दूसरा नंबर बंदर भी नहीं है। मेरा ख्याल है बंदरों ने भी अपने अपने दिन रखे हुए हैं। अच्छा हमको सिखा रही है, जिस दिन टूरिस्ट ज्यादा होते हैं उसी दिन आते हैं। हम जब भी आते हैं ये गाड़ी जो है ना पुरानी, ये हर वक्त इधर ही खड़ी रहती है। ये सामने देखें बर्फ भी है और आबादी भी काफी ज्यादा है। ये जी अभी बर्फ स्टार्ट हो गई है ये डोंगा गली में। आहा क्या बर्फ की ठंड है यार, वो भी बिल्कुल गंदी है, एंजॉय नहीं कर सकता इंसान, लेकिन देखने को मिल गई है। ये जी डोंगा गली का बाजार। चलें जी थोड़ा सा यहाँ पे उतरते हैं। ओए होए आखिरी आखिरी बर्फ है ये जो हमें देखने को मिल रही है। अच्छा ऐसा करना है ना, इसमें से 2 गोले बना लो यार। ओ गिर गई। ये देखें जी अब मज़ा आया है ना बर्फ़ का। और वो सामने देखें स्नोमैन, डॉग, पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है, घोड़ा भी बनाया हुआ है यार। स्नो के इन्होंने बनाए हुए हैं खूबसूरत खूबसूरत हार्ट्स। ये देखें ज़रा, आह ये देखें, आपको ये दिखा रहा हूँ, ये घोड़ा बना हुआ है, वो बालू है, और ये ऊपर क्या बनाया हुआ आपने? उकाब, शहीद बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बना रहे हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त है यार। ये देखें जी अभी मिले हैं हमें सारे बारात। ये देखें ये छोटा सा बच्चा, देखें ज़रा, अभी आपको इनका शुगल मेला दिखाते हैं। ये जी अभी अम्मी जान जो है इनको कीनू खिलाएंगी। ये देखें भागते हुए आ रहे हैं कीनू खाने के लिए। यहाँ नीचे भी हैं, वो देखें छिलके उठा के खा रहे हैं। ये देखें मुझसे मिलने के लिए ये भी आ गए। आप लोग बारात से वापस आ गए हो? कह रहे हैं हाँ। आयो या नहीं आए? अभी थोड़ा सा इनके साथ शुगल मेला लगाते हैं। इनके लिए जो है ना मैं ये स्लाइस बना रहा हूँ। ये देखें अभी इनको मैं जो है ना गाड़ी के ऊपर बुलाऊंगा। ये देखें छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है यार। नथागली वाले जो बंदर है ना, गाड़ी के ऊपर कोई भी चीज़ फेंको तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ आ रही नहीं है। ये गए हुए थे ना बारात पे, वहाँ से खा के आए हैं, तो इन्होंने आज नहीं खाया कुछ भी। ये देखें उसी तरह गाड़ी के ऊपर ये कीनू पड़ा हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे भी वही स्नोमैन बने हुए हैं। ये देखें वो सामने घोड़ा और इस तरफ ये इन्होंने बालू बनाया हुआ है। ये देखें जी एक और जगह पे जो है ना, सेम उसी तरह का खूबसूरत किस्म का बालू और घोड़ा और ये चीज़ें बनाई हुई हैं। ये देखें इन दोनों को मैंने यहाँ पे बैठा के इनकी पिक्स वगैरह ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं जगह जगह। ये देखें जैसे ही हम यूबीएम एंटर हुए हैं तो ये सारे जो है ना बंदर ही बंदर। ये जी अभी हम पहुँचे हैं अयूबिया। ये जी अयूबिया का बाज़ार है। और ये देखें सैफुल्ला भी, ये देखें कपड़े वगैरह ये सब कुछ। यहाँ से थोड़ी हाइट है ऊपर। ये देखें कश्मीरी टोपियाँ, कहाँ की है? कश्मीर की है, अगवानी। ऊपर वाली ऊपर कश्मीरी झुमके और अगवानी टोपी। ये है जी चेयर लेफ्ट अयूबिया, यहाँ से सीधी वो ऊपर तक जाती है चेयर लेफ्ट। ये देखें घोड़ा भी खड़ा है। क्या ठंड है और क्या व्यू है। आहा, बाग के नीचे उतर दिए। इतने दूर से चेयर लिफ्ट के लिए आए हैं, तो आज चेयर लिफ्ट यहाँ पे ख़राब है। और ये देखें चेयर लिफ्ट वो रुकी हुई है। ये पता नहीं अब क्यों बंद की हुई है, कहते तो यही है कि ख़राब है, बाकी पता नहीं है। ये देखें बंदर को मार दिया इसने। वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना उसको, यार मुझे भी डर लग रहा अब। ये देखें ये क्या कर रहे हैं यार, पागल हो गए या क्या सीन है। ओहो ये काफी भूखे हुए हैं। इसके हाथ में पकड़ा था, मान से ही लेके क्या जंग होगी। इनसे खींच के ले गया खाने के लिए। और उसके बाद जो है सारे, ये देखें सारे भाग गए। मुझे तो अब ये रास्ता भी खतरनाक ही लग रहा है। ये देखें ओहो। ये जी अभी हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ। गए तो हम चेयर लिफ्ट की तरफ थे, लेकिन वो बंद है। ये जी अभी हम नीचे पहुँचे हैं। ये भी बाज़ार है अयूबिया का। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कमरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है यार। ये जी अयूबिया वाला ट्रैक है। और यहाँ से नीचे से एक टनल दरियाफ्त हुई है, वो देखने के लिए जा रहे हैं मैं और सामा। ख़तरनाक जगह से जा रहे हैं। ट्रैक का रास्ता वो है, लेकिन हम शॉर्टकट ले रहे हैं। ये देखें यहाँ से बैठ के उतरना पड़ेगा। ये जी हम आ गए हैं हैशटैग मोटर टनल। ये देखें इसका एंट्री टिकट देखें। ये है जी टनल। ये जी ये देखें मोटर टनल। ये 1891 में जो है ना ये कनेक्ट हुई है। यहाँ पे 250 फीट लॉन्ग है, 4 फुट चौड़ी है और 6 फुट ऊंचाई है इसकी। ये जी चलें मोटर टनल में जाते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। ये देखें जी उस टाइम की 1891 में ये टनल बनी है। ये ऊपर देखें ज़रा, ओए होए होए कैसे उस वक्त यह डिज़ाइन हुई है। ये देखें ओहो, ये देखें ये एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट हुई है उस टाइम पे। ये अंदर से पानी भी आ रहा है। ये देखें पानी, देखें पानी भी आ रहा है। ये ओए होए होए, ये भी नीचे भी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं इसमें। ओहो उस टाइम पे इसे यूज़ करके लोग इधर से उधर जाते थे। इसके अंदर जो है ना पानी ज़्यादा है। ये देखें ऊपर से जो है ना कतरे गिर रहे हैं पानी के। ये एक तरफ से हम दूसरी तरफ निकल गए। ये जी ये हम आ गए हैं बाहर। अभी हम खाना खाने के लिए वापस नथागली आ गए। ये देखिए और यहाँ पे बन रहा है पटाखा रोस्ट, अभी और है ना। ये देखिए प्रोसेस में जी बिल्कुल। यहाँ पे कढ़ाई भी बन रही है साथ में। ये जी आ गया हमारा पटाखा रोस्ट। ये देखें, और चटनी रायता और सब कुछ। चले खाते हैं, चलें जी खाना खाते हैं। थोड़ी चटनी भी डाल लेते हैं मिर्चों के अंदर, ये बड़े मज़ेदार चटनी है। ये आ गया हमारा काबुली पुलाव। चलें बिस्मिल्लाह खाते हैं। इससे मिर्चों को चटनी के अंदर मिक्स करके ना, अब स्पाइसी किस्म का ये मज़ेदार है। ये जी इसको फुल स्पाइसी करके ये देखें, ये जी खाना खा लिया। ये जी खाना खा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। चलें जी खाना वगैरह खा लिया है और अभी हमने सीधा घर ही जाना है। तो आज की वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खाना कबा का दीदार तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त नसीब फरमाएँ और रोज़ा मुबारक की इजाज़त नसीब फरमाएँ। इसी खूबसूरत दुआ के साथ आज के लिए दीजिए शहज़ाद अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।